Charms World. Please subscribe to our channel and press the bell icon to get the latest notifications. स्वागत है बच्चों, आज हम डायनासोर के बारे में जानने जा रहे हैं, जो पृथ्वी पर विचरण करने वाले सबसे आकर्षक जीवों में से एक हैं। क्या आप इस रोमांच भरी डायनासोर की दुनिया में जाने के लिए तैयार हैं? हाँ, मैं तैयार हूँ। मुझे सब कुछ बताओ जो तुम डायनासोर के बारे में जानते हो। बहुत बढ़िया, आइए बुनियादी बातों से शुरू करें। डायनासोर सरीसृप थे, जो 65 मिलियन वर्ष से भी पहले पृथ्वी पर रहते थे। वे 135 मिलियन से अधिक वर्षों के लिए ग्रह पर प्रमुख प्रजातियां थी। अब चलो डायनासोर के बारे में कुछ रोचक तथ्य के बारे में बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि कुछ डायनासोर के पंख होते थे? वाकई मैंने ये कभी सोचा भी नहीं था। नहीं, कुछ डायनासोर जैसे वेलोसिरैप्टर और आर्कियोप्टेरिक्टर के पंख थे। वास्तव में वैज्ञानिकों का मानना है कि पक्षी डायनासोर के प्रत्यक्ष वंशज हैं। तो अगली बार जब आप किसी पक्षी को देखें तो याद रखें कि यह एक जीवित डायनासोर है। वाह, यह आश्चर्यजनक है। डायनासोर के बारे में एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि वे सभी विशाल जीव नहीं थे। कुछ डायनासोर मुर्गे जितने छोटे भी थे। उदाहरण के लिए कॉम्प्सोग्रॉथ्स केवल एक चिकन के आकार में था और माइक्रोरैप्टर और भी छोटा था। यह केवल एक कौवे के आकार का। यह बहुत अच्छा है, मुझे नहीं पता था कि इतने छोटे डायनासोर भी होते हैं। और वास्तव में कुछ बड़े डायनासोर भी थे। अब तक का सबसे बड़ा डायनासोर अर्जेंटिनासोरस था। यह दो स्कूल बसों जितना लंबा और 5 मंजिला इमारत जितना लंबा था। क्या आप इतने बड़े डायनासोर को देखने की कल्पना कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये बहुत डरावना है। चिंता मत करो, तुम्हें कभी नहीं करना पड़ेगा। मनुष्य के अस्तित्व में आने से बहुत पहले, लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले डायनासोर विलुप्त हो गए थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि डायनासोर के विलुप्त होने के कारण एक भयावह घटना थी। यह बहुत दुख की बात है, काश वे आज भी आसपास होते। हाँ, यह दुख की बात है, लेकिन अब भी जो जीवाश्म मिले हैं उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और कौन जानता है, शायद एक दिन हम इन आकर्षक प्राणियों के बारे में कुछ नया और रोमांचक खोज लेंगे। यह आश्चर्यजनक है, मैं डायनासोर के बारे में और जानने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया, खोजने के लिए और भी बहुत कुछ है। इस प्रागैतिहासिक साहसिक कार्य में शामिल होने के लिए धन्यवाद। आपसे हम अगली वीडियो में मिलेंगे।